आज एक बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है, भय है, नाम भी लेना नहीं चाहते। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? चाइना में करोना बीमारी। वही शुरुआत भी सबने पढ़ा तो होगा ना, क्यों आई? क्यों आई मैं बताओ? हाँ, क्यों आई? किसी ने, हमने सुना ये है, किसी ने चमगादड़ का सूप पिया था कहते हैं, है ना? क्योंकि ये त्योहार का भी संबंध देखिएगा व्रत के साथ है। ये जो त्योहार हम मना रहे ना, इसके साथ है ये व्रत का। एक व्यक्ति ने अपने 2.5 इंच की जबान के लालच में, लोभ में आ करके खा लिया, खुद का नुकसान, साथ वालों का नुकसान, 25,000 लोग मर चुके हैं, 26 देशों में बीमारी फैल चुकी है, 1.5 लाख के करीब लोग इस बीमारी के वश है। हमारे एक माता रहती, उनकी बहू वहां की, चाइना की है, कहते आज दीदी वहां ऐसा है जो देखे बीमार शूट करने के लिए कहा जा रहा। अभी यहाँ पता ही नहीं न्यूज, वहां की शूट करने के लिए कहा जा रहा। तो इसका सर में कहा, ये आसानी से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं, 2 दिन पहले चीज नहीं, 2 दिन पहले का न्यूज था। सिंगापुर भी अगर कोई अर्जेंट हो तो जाना, नहीं तो वहां भी जाने के लिए चाइना नहीं जाना, अभी सिंगापुर नहीं जाना, और 2-3 दिन के बाद कौन से कोई और देश बैन हो जाएगा। और चाइना की इकोनॉमी इसी 2 महीने में डाउन हो चुकी है। इन सब का जड़ क्या है? इस 2.5 इंच की जबान। हमने व्रत तो कर लिया, रोटी सब्जी तो हमने नहीं खाया, क्या हमने ईश्वर के द्वारा प्राप्त नियम मर्यादाओं का अगर पालन किया होता तो आज ये बीमारियां फैलती? कहते लोग कभी मजाक के, अरे ब्रह्मा कुमारी ये तो भाई बहन बना देती, ये तो खाने पीने के लिए सब जगह मना कर देती है। वे ब्रह्मा कुमारी नहीं कह रही, इस विश्व का ठेकेदार, विश्व का रचयिता परमात्मा क्या कह रहा, उसको सबसे ज्यादा चिंता इस संसार की, मेरे से और आपसे ज्यादा चिंता उस परमात्मा की। उसने संदेश दिया कि इस दुनिया को आप बचाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आपको अपनी 2.5 इंच की जबान पर, क्या एक बोल के ऊपर कंट्रोल और एक खान पान के ऊपर। तो सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खाना, यही व्रत नहीं, मेरे जीवन के लिए जो आवश्यक है इसकी समझ, इसका निर्णय कोई और नहीं लेगा। तो मन के लिए जो श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है कोई और नहीं लेगा। तो ऐसा सच्चा व्रत, सच्चा जागरण, जब इस रहस्य को जान करके हम मनाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, तो हमारे यहाँ जो व्रत ब्रह्मा कुमारी में पूरे जिंदगी भर के लिए। जैसे भाई भाई साहब ने अथॉरिटी से कहा 21 जन्म, तो क्यों 21 जन्म? एक जन्म का 21 जन्म का सौदा है, एक जन्म करे 21 जन्म पाओगे।